ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, पहले तो अपने इस मॉडल का जो बैकग्राउंड हम इसको इरेज करेंगे। एंड इसको इरेज करने के लिए ले जाएंगे हम ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद यहाँ से हम इरेजर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो साइज़ वगैरह जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड इसके बाद फोटो को हम जूम करेंगे एंड यहाँ से हम फोटो को जो है सिंपली यहाँ से इरेज कर लेंगे। एंड ऐसे गाइस, मतलब कि इसको यहाँ थोड़ा फास्ट करूँगा एंड यहाँ पे मतलब कि गाइस, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है, किसी को प्रॉब्लम आती है, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वीडियोस की लिंक दे रखी है, ठीक है, बैकग्राउंड इरेज से रिलेटिव। आप उन वीडियो को देख लेना, आपको इजीली उनसे समझ आ जाएगा कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो तीन वीडियो की लिंक होगी, तीनों को वॉच करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एंड काफ़ी हेल्प होगी। तो गाइस, यहाँ पे हमने इरेज कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस, जिसके बाद आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसको हम यहाँ ले चलेंगे हम ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल है, जो भी हमने रिस्क किया था, हम उस मॉडल को यहाँ पे ले लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को इसको ऐड कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले हम यहाँ पे डन कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मतलब कि साइज़ जो है उसको हम सिद्धू मूसेवाला जो भाई है हमारे, इनके कुछ इनके साइज़ के हिसाब से कुछ रख लेंगे, ठीक है। एंड आप चाहो आप देख लेना यार, आप सिद्धू भाई से लंबे हो या छोटे हो, वो आपके आपके ऊपर है, ठीक है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जो मॉडल है उनको थोड़ा सा छोटा रखूँगा सिद्धू भाई से। एंड उसके बाद यहाँ पे एक इन्विटे लेयर बना लेंगे एंड इस लेयर को ले जाएंगे मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ से हम ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे, साइज़ को यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड ओपेसिटी को रखना आपको 14 था कुछ, ठीक है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है एंड यहाँ से आप सभी को फटाफट से इरेज करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। पेंट करते रहना है एंड यहाँ पे आपकी एक शेडो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से शेडो बनाना है। एंड गाइस, शेडो बनाने के ऊपर भी मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उसमें उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो बाकी चलिए गाइस, आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो है क्या करना, आप सभी को यहाँ पर हमारी शेडो भी बन चुकी है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड उसका सिंपल यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। एंड यहाँ से एक फिर क्या करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ से हम फोटो कहाँ ले आएंगे एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से हम ऐड फोटो में, सॉरी गाइस, यहाँ पर टेक्स्ट पे चले गए, तो यहाँ से चलेंगे ऐड फोटो में। एंड उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे एक पीएनजी मिलेगा हमें यहाँ पे विगनेट का, ठीक है। तो आप सभी को उसको डाउनलोड कर लेना है एंड उस पीएनजी को आप सभी को कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करके ऐसे लगा देना है एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप सभी को कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को जाना है टूल्स में, ठीक है। तो यहाँ से चल रहे टूल्स में एंड उसके बाद जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोजर को बढ़ा देना है एंड इरेज़र टूल में जाना है एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है एंड फोटो को तो जूम करना है एंड कुछ स्टेप से आप सभी को पेंट करना है पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपको ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए हो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जरूर करना है इस चीज़ को। एंड उसके बाद गैस, आप सभी को फिर क्या करना है, आपको उसका थोड़ा सा अमाउंट जो बढ़ा के रख लेना है, अराउंड कुछ 7-8 तक रख लेना एंड उसके बाद यहाँ पर कर देना डन। एंड उसके बाद गैस, आप सबको यहाँ पर सिंपली फोटो को सेव कर लेना है एंड उसको ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि कलर क्वेश्चन जो है हम वहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है हमने फोटो को यहाँ पे जो सिंपली ऐड कर लिया है लाइट रूम ऐप में। अब क्या करेंगे, हम चाहेंगे लाइट वाला ऑप्शन में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट को कम कर देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे एंड जो व्हाइट है इसको कम कर देंगे एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देंगे। एंड जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देंगे एंड जाएंगे कलर मिक्स में और इन कलर को सेलेक्ट करेंगे, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देंगे एंड लेंगे येलो कलर को, इसका ह्यू एंड सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड जो इसका ग्रीन कलर इसका ह्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड जो मतलब गाइस ब्लू कलर इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड जो ग्रीन कलर इसको हम सैचुरेशन को 0 पर रहने देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे पर्पल कलर, इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे एंड ऐसे डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे गाइस कलर्स के नीचे वाले टूल में एंड इसका जो फोटो की क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे एंड जो फोटो हम विग्नेट है वो डाल देंगे। एंड उसके बाद गाइस नीचे आप सबको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। नोड रिडक्शन गाइस जिसको भी इंक्रीज कर देना है एंड जो कलर नोड रिडक्शन आप सबको उसको ही बढ़ा देना है। तो गाइस इसके बाद आप सबको फिर जाना है ऐसे सिलेक्टिव टूल में एंड यहाँ पे आप सबको थर्ड वाले ऑप्शन को ले लेना है एंड इसको जिस टाइप से आप सभी को यहाँ पे विग्नेट डाल देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर अगेन क्या करना है, आप सबको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड सर्कल वाला ऑप्शन को ले लेना है एंड उसके बाद आपको अपनी बॉडी के ऊपर कुछ इस टाइप से करना है। एंड गाइस उसके बाद आपका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देना है उसका। एंड गाइस उसके बाद आप सबको सी के ऊपर एक बार प्रेस करके रखना है, आपको डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको रख देना आप दूसरे मॉडल के ऊपर एंड आप फाइनली यहाँ पर डन कर देना है। तो गाइस फाइनली मेरी फोटो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने, तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।